प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक व्यापारी रहता था। रवि व्यापार में बहुत चतुर और होशियार था, लेकिन उसके भीतर लालच का भूत सवार था। वह हमेशा हर सौदे में अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटता था। उसका बस यही उद्देश्य था कि किसी भी तरह से ज्यादा धन कमाए और अपना वैभव बढ़ाए। रवि का व्यापार दिन रात बढ़ता जा रहा था। उसकी दौलत और संपत्ति में खूब इजाफा हो रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। वह हमेशा कुछ अधूरा और असंतोष महसूस करता था। गांव के लोग उससे नाराज रहते थे, क्योंकि वह व्यापार में किसी की भी परवाह किए बिना बस अपने लाभ के लिए काम करता था। लोग उससे दूर रहने लगे थे, लेकिन रवि को इसकी कोई चिंता नहीं थी। एक दिन गांव में भगवान बुद्ध पधारे। वे अपनी शांति और करुणा के गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित होते थे और उनका आदर करते थे। जब रवि को भगवान बुद्ध के बारे में पता चला तो वह भी उनके पास गया, लेकिन उसके मन में कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं थी। उसे लगा कि शायद भगवान बुद्ध से भी वह कुछ लाभ उठा सकता है। भगवान बुद्ध ने रवि के चेहरे पर उसकी लालच की छाया देख ली और मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी जी, आप इतने असंतुष्ट क्यों हैं? आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी मन में बेचैनी क्यों है? रवि हिचकिचाया, पर फिर सच बोल ही दिया। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पास इतनी संपत्ति होने के बाद भी मैं हमेशा अधूरा क्यों महसूस करता हूं, जैसे कुछ कमी हो। भगवान बुद्ध ने उसे शांत स्वर में कहा, लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। तुम अपनी संपत्ति और अपने लाभ के पीछे इतने खो गए हो कि तुमने सच्चे सुख का रास्ता ही भुला दिया है। रवि ने जवाब दिया, लेकिन महाराज, इस संसार में धन के बिना कुछ भी नहीं, यही तो जीवन की सच्चाई है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख परोपकार में है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हारा हृदय सच्चे आनंद से भरता है। अपने लाभ के लिए जीवन बिताने से आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती। रवि ने पहले तो भगवान बुद्ध की बातों को अनसुना किया, लेकिन उनके शब्द उसके मन में घर कर गए। धीरे धीरे उसने उन पर विचार करना शुरू किया। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह भगवान बुद्ध की सलाह को एक बार आजमाएगा। जैसे जैसे वह दूसरों के प्रति दयालु और उदार होने लगा, उसका मन शांत होने लगा। उसे अपने भीतर एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं पाई थी। अब उसके पास वही संपत्ति थी, पर साथ ही एक शांत और संतुष्ट मन भी। गांव के लोग भी अब उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे सच्चे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध ने फिर से रवि को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रवि, अब तुमने सच्चे सुख का मार्ग पा लिया है। तुमने समझ लिया कि असली संपत्ति धन में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और दया में है। यही सच्चा आनंद है। रवि की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में झुककर आभार व्यक्त किया। उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि लोगों के लिए दया, करुणा और परोपकार का एक आदर्श बन गया।